स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स ये रहेगा कि डीआरडीओ चैप्टर 9 के जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा और आंसर की है वो कब रिलीज होगी और ट्रायल 2 कब होगा और उसमें क्या क्या होने वाला है, तो इससे संबंधित वीडियो रहेगी फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पहले कि डीआरडीओ चैप्टर 9 ए का जो रिजल्ट है वो कब रिलीज़ होने वाला है। तो जो डीआरडीओ फ्रेंड्स वो कम से कम 8 मंथ लेता है एक फॉर्म को निकालने और ज्वाइनिंग तक जो है 8 मंथ लेता है कम से कम। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो ट्रायल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट रहेगा वो लास्ट वीक जनवरी के 2020 में आने की संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स जो और फ्रेंड्स ट्रायल टू जो है ट्रायल टू की जो डेट रहेगी एग्ज़ाम डेट वो कम से कम मार्च के 2020 में रहेगी और जो आपका फाइनल रिजल्ट तय होगा वो होगा अप्रैल के 2020 तक आपका फाइनल रिजल्ट भी तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डीआरडीओ चैप्टर 9 में कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स टोटल पोस्ट जो हैं 224 हैं और जो 1:12 की यानी कि डीआरडीओ एक पोस्ट पे 12 स्टूडेंट को ट्रायल फर्स्ट में सेलेक्ट करेगा, जिसमें से कि वो टोटल सेलेक्ट करेगा 2688 स्टूडेंटों को वो सेलेक्ट करेगा ट्रायल टू के लिए। और फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम का लेवल था ना ही हाई था और ना ही लो था, यानी कि ना हाई आ रखा था पेपर और ना ही लो आ रखा था। तो जिस स्टूडेंट ने क्वालिफाइड यानी कि अगर आपने 110 और 120 की मेरिट के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे ट्रायल टू के लिए। अगर आपने करेक्ट क्वेश्चंस फ्रेंड्स अटेम्प्ट करे हों 110 से 120 के बीच में तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे ट्रायल टू के लिए। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या किस पोस्ट पे क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए की पोस्ट जो है फ्रेंड्स पोस्ट कोड 0401 है। इसका जो कट ऑफ है फ्रेंड्स यूआर के लिए 110 से 115 रहने वाला है और ओबीसी के लिए 100 से 103 रहने वाला है। वैसे ही एससी के लिए 95 से 100 रहने वाला है और एसटी के लिए 93 से 97 रहने वाला है। और फ्रेंड जो सिक्योरिटी असिस्टेंट ए है जिसका पोस्ट कोड 0601 है इसके लिए जो मेरिट रहेगी फ्रेंड्स वो यूआर के लिए 110 से 115 रहने की संभावना है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर गया था ना ही पेपर इजी था और ना ही पेपर हार्ड था, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरिट बनाई गई है फ्रेंड्स। तो इनका एग्ज़ाम में जो ओबीसी के लिए 104 से 108 रहने की संभावना है फ्रेंड्स जो मेरिट रहेगी और एससी के लिए 98 से 102 रहने की संभावना है मेरिट। और फ्रेंड जो स्टोनोग्राफर ग्रेड सेकंड है उनका जो मेरिट कट ऑफ रहेगी फ्रेंड्स वो यूआर के लिए 108 से 113 रहने की संभावना है फ्रेंड्स, वैसे ही ओबीसी के लिए 105 से 110 रहने की संभावना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड फायरमैन की भी बात कर लेते हैं, यूआर के लिए जो 113 से 118 के बीच रहने की संभावना है कट ऑफ और ओबीसी के लिए 108 से 112 के बीच, एससी के लिए 104 से 107 के बीच और एसटी के लिए 100 से 103 के बीच रहने की संभावना है फायरमैन के लिए कट ऑफ। और फ्रेंड स्टोर असिस्टेंट ए में जो यूआर में जो कट ऑफ रहेगा वो 105 से 110 रहने की संभावना है, ओबीसी में 100 से 105 रहने की और एससी में 95 से 100 और एसटी में 93 से 98 रहने की संभावना है मेरिट। और फ्रेंड्स फायर इंजन ड्राइवर पोस्ट कोड जिनका कि 1001 है, यहाँ पे गलती से फ्रेंड्स 100 लिख दिया, यहाँ पे 1001 पोस्ट कोड है जिनका, यूआर की पोस्ट हैं इसमें थी फ्रेंड्स जिनमें कि 115 से 120 जाने की संभावना है मेरिट इनकी फायर इंजन ड्राइवर की। और फ्रेंड व्हीकल ऑपरेटर के पोस्ट कोड जिनका कि 0901 है उनके लिए जो मेरिट जाने की संभावना है फ्रेंड्स यानी कि जो कट ऑफ लगेगा यूआर के लिए 118 से 122 जाने की संभावना है, वैसे ही ओबीसी के लिए 112 से 115 जाने की संभावना है, एससी के लिए 105 से 110 कट ऑफ की मेरिट जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सैलरी और पे स्केल की कि डीआरडीओ में आपकी सैलरी और पे स्केल क्या रहने वाला है। स्टोनोग्राफर ग्रेड को सेकंड को छोड़ के फ्रेंड्स सभी की जो पे स्केल रहेगी वो सैलरी मिलेगी आपको 19,900 से 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी और स्टोनोग्राफर ग्रेड सेकंड की जो सैलरी रहेगी फ्रेंड्स वो 25,500 से 81,100 के बीच जो सैलरी रहेगी फ्रेंड्स वो स्टोनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए रहेगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि सेकंड यानी कि ट्रायल सेकंड में क्या होने वाला। तो ट्रायल सेकंड में फ्रेंड्स जो सिक्योरिटी असिस्टेंट फायरमैन और इंजन ड्राइवर की जो पोस्ट है उनके लिए तो ट्रेड टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट होगा, बेसिकल फिटनेस टेस्ट होगा और कैपेबिलिटी टेस्ट होगा। कैपेबिलिटी टेस्ट मतलब आपकी मानसिकता जो है वो चेक की जाएगी कि आप कितने तेज हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स।